आपकी कुछ प्रॉब्लम से खुदावन के रूह को छूते हुए और आपको आज से आजाद होते हुए देख रहा हूँ। बहुत ज्यादा परेशान से इस प्रॉब्लम 15 साल से। हाँ जी 15 साल। सर्दियों में भी आपको ठंडी चीजें खानी पड़ती? हाँ जी। हाँ हाँ जी। सेम प्रॉब्लम सर्दियों में भी ऐसे बनी रहती थी? हाँ जी सेम। इतना दी मैं टेस्ट कराया सी, डॉक्टरां दे इदा इलाज नहीं हैगा। की नहीं हैगा इदा? इदा इलाज नहीं हैगा। इदा इलाज ही नहीं है? हाँ जी इदा इलाज। इसलिए आपने 15 साल तक मेडिसिन खाई और कोई फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम राजविंदर कौर है और चमोदल गांव के रहने वाले हैं। और इस सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे कि 15 साल हो गए इनके लीवर में कृमि की प्रॉब्लम के कारण जे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इस प्रॉब्लम के कारण जे बता रहे कि जब भी जे वॉशरूम जाते थे इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। जे बता रहे कि जब भी जे बाथरूम जाते तो जे बता रहे इनके गुप्त अंग में बहुत ज़्यादा जलन रहती थी। इस तकलीफ के कारण जे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इतनी ज़्यादा तकलीफ थी जे बता रहे कि इनके सहने से भी बाहर थे। इतनी ज़्यादा जे परेशान थे और इस प्रॉब्लम के कारण जे बता रहे कि इन्हें वॉशरूम जब भी जे जाते थे तो जे बता रहे कि इनके मन में बहुत ज़्यादा ऐसे विचार आते थे, क्योंकि इन्हें बाथरूम भी बहुत ज़्यादा कम आता था, उसके कारण भी इनके इनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। और जे बता रहे कि 15 साल हो गए थे जे लगातार ही मेडिसिन खा रहे थे, पर जे बता रहे कि मेडिसिन से भी इन्हें इतना ज़्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि लगातार ही जे 15 साल से मेडिसिन खा रहे थे, जितना समय मेडिसिन का असर रहता उतनी देर इन्हें फ़र्क रहता, पर इन्हें लगातार मेडिसिन लेनी ही पड़ती थी। जे बता रहे फिर डॉक्टर ने इनको बताया कि आप अपने टेस्ट कराएं। जब इन्होंने अपने सारे टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि जो भी जो आपकी प्रॉब्लम है, आपके लीवर में गर्मी की प्रॉब्लम है, तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। सिर्फ आप ओनली जो बता रहे हैं कि डॉक्टर ने बताया कि आप जो भी गर्म चीज़ कोई भी नहीं खा सकते, क्योंकि जी प्रॉब्लम गर्मी में नहीं, सर्दी के मौसम में भी ऐसे जी प्रॉब्लम बनी रहती थी और डॉक्टर ने गर्म चीज़ खाने से इनको मना कर दिया था और जो बताया था कि आप ठंडी चीज़ ही खा सकते हो, क्योंकि तकलीफ इतनी ज़्यादा थी। जो बता रहे कि जे अपने घर में भी किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि जी इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम थी और इसके कारण जे काफ़ी तकलीफ में थे। कितनी ज़्यादा मेडिसिन खा रही हूँ पर फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, पर जे लगातार जो कि प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से फ्री कर चुके। और जैसे जिस मिनिस्ट्री में जे आ रहे थे और जो पॉजिटिव प्रेयर और अंगीकार कर रहे थे कि मैं विश्वास करती हूँ जो खुदा मैं जो भी मुझे जी प्रॉब्लम है तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे इस प्रॉब्लम से फ्री कर चुके हो। और जब बता रहे जब इन्होंने पिछले संडे की मीटिंग को अटेंड किया तो जब परमेश्वर के दास मास प्रेयर कर रहे थे तो परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड परमेश्वर ने दिया कि जिन लोगों को गुप्त अंग की प्रॉब्लम है परमेश्वर का रूह उन्हें छू रहा है। पहले हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। से गुप्त अंग की कुछ प्रॉब्लम से खुदावन्द के रूह को छूते हुए और आपको आज से आजाद होते देख रहा हूं। मैं कुछ गुप्त अंग की प्रॉब्लम को, गुप्त रोगों से आपको आजाद होते देख रहा हूं। राइट नाउ रिसीव करो और चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। और जो बता रहे कि जैसे इन्होंने इस वर्ड को अपने जीवन में रिसीव किया कि परमेश्वर जो परफेक्टिक वर्ड आपने मेरे लिए अपने दास के द्वारा दिया है, मैं विश्वास करती कि परमेश्वर आप मुझे पूरी तरह से आप फ्री कर चुके हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा इनके लिए बड़ी थी, क्योंकि इनके मदर भी नहीं थे, उनकी डेथ होगी जिसके कारण ये प्रॉब्लम किसी को बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि जब इन्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती थी, रात के समय इन्हें बाथरूम बहुत कम आता था और उसके कारण भी ये काफ़ी परेशान रहते थे। पर जैसे इन्होंने संडे की मीटिंग में इस वर्ड को रिसीव किया, धन्यवाद दिया, तो जब बता रही कि 2 ही दिन में परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और पूरी तरह से जो इनके गुप्त अंग में जलन रहती थी, तकलीफ रहती थी, आज पूरी तरह परमेश्वर ने टोटली इस प्रॉब्लम से इनको फ्री कर दिया। आज ये पूरी तरह इस प्रॉब्लम से आजाद हो चुके। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, जो कि इनको लगातार 15 साल से मेडिसिन खा रहे थे,
ये बता रहे कि उस दिन से अभी पूरा एक हफ्ता हो गया, इन्होंने मेडिसिन एक भी दिन इनको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने जो पावरफुल वर्ड्स अपने दास के द्वारा स्वर्ग से ने दिया था, सच में आज पूरी तरह उससे फ्री हो चुके। हम सब जोर से तारीफ करेंगे क्लीसिया, अपने हाथों को हिलाते हुए इस गवाही के लिए। माइक तो इन जानसीदी पापा जी, जानसीदी मम्मा जी, मेरे वालों सारी कलीसिया ने जानसीदी पापा जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान से इस प्रॉब्लम से 15 साल से। हाँ जी 15 साल तो। सर्दियों में भी आपको ठंडी चीजें खानी पड़ती? हाँ जी। हाँ हाँ जी, सेम प्रॉब्लम सर्दियों में भी ऐसे बनी रहती थी। हाँ जी सेम ऐसा होती है। मैं टेस्ट कराया सी डॉक्टरां दे, इदा इलाज नहीं हैगा। की नहीं हैगा इदा? इदा इलाज नहीं हैगा। इदा इलाज ही नहीं है। हाँ जी इदा इलाज। इसलिए आपने 15 साल तक मेडिसिन खाई और कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ जी खांदी नहीं सी, थोड़े टाइम ली 5-10 मिनट वाली फर्क रहता सी। 5-10 मिनट सिर्फ फर्क रहता था। हाँ जी। आपको यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हो गया? दूसरा महीना। हाँ जी दो। तो यहाँ पे आकर आपने जो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षा है, पॉजिटिव विश्वास है, पॉजिटिव प्रेयर है, उसको अपने समझ लिया। हाँ जी। कि परमेश्वर सब कामों को पूरा कर चुका है, मैंने रोज रोज धन्यवाद देता है। हाँ जी। आपने इस बात को शेयर किया किसी से? नहीं किया। ये देख लो ये भी। हाँ किसी से शेयर नहीं किया, ना मुझसे कभी शेयर किया, ना टीम से शेयर किया, पर ये बात को पकड़ गई। बोलो क्या है? ये बात को पकड़ गई। चलो मान लो मुझसे बात करने से शर्म आती है, तो यहाँ पे जो लेडीज हैं, बच्चे हैं और भी लड़कियां हैं जो सेवा करती हैं, ये उनसे तो बात कर सकती है ना, पर उनसे भी नहीं की। पर ये बात को पकड़ गई कि मैंने जो परमेश्वर ने सारा काम पूरा कर दिया है। कितनों को पता उसने सारा काम पूरा कर दिया है? हाँ कितनों को पता है? इसलिए जिसने सारा काम पूरा कर दिया है अपने मुंह से धन्यवाद देना है। क्या देना? बोलो अपने मुंह से धन्यवाद देना है कि ये मेरे लिए हो गया है। इसलिए ये विश्वास में बनी हुई रही थी, एक अच्छे अंगीकार में। 2 महीने में तूने मीटिंग कितनी मिस की है? पापा जी संडे दी कोई नहीं जकी थी। संडे जब से शुरू की कब कोई मीटिंग नहीं मिस की? हाँ जी नहीं कोई। कोई नहीं गई, ये भी बड़ी बात है। इसलिए जब परमेश्वर मनों को देखता है ना, क्या देखता बोलूं, और वो मनों के हिसाब से बोलता है। क्या बोलो? मनों के हिसाब से बोलता है। इसलिए खुदावंद ने इसे ये प्रोफेटिक स्वर्ग से दिया, क्योंकि जो लिखा है बाइबल कहती है जो वचन ऊपर से आता है वो प्रभाव रहित नहीं। जिस काम के लिए परमेश्वर भेजता उसने कहा वह ठहर कर मेरे पास नहीं आता। इसलिए जब इसने सांस से रिसीव किया, जिस दिन ये वर्ड तेरे लिए बोला गया, जब तू सुन रही थी यहाँ पे, तो क्या थोड़ा बता मुझे? पापा जी तुसी गुप्त रोगों नु डाटन दे सी, मैं रिसीव कीता सी, ये बीमारी आज तो मेरे लिए नहीं है। आज तो मेरी बीमारी नहीं है। तुसी अपने दास दे द्वारा तुसी मैनु फ्री कर चुके जो जो प्रोफेटिक वर्ड दे जो परमेश्वर तुसी अपने दास दे मुंह तो मेरे लिए बोल रहे हो, आज से मुझे फ्री। फिर आज कितना टाइम हो गया? पूरा हफ्ता हो गया। कोई मेडिसिन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जलन नहीं, कोई कुछ नहीं है। आज खुदावंद ने 15 साल की शर्मिंदगी से फ्री किया है। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, अपने हाथों को उठाकर जोर से